मैं सोच रही थी शोएब जब यहाँ आया, सिर्फ एक ही बात होती रहती है शोएब को लेकर कि ये कुर्सी हिलाने आया, कुर्सी हिलाने आया, कुर्सी हिलाने आया, कुर्सी हिलने की बात होती है और कुछ नहीं। लेकिन शोएब के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। शोएब, तुम्हारे बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं। मैम, दो हफ्ते से मैं शोएब को देख रहा हूँ। ये एक तो बहुत अच्छा बच्चा है और यहाँ के थोड़ा सा सलमान भाई की कुर्सी छीन लूँगा, ऐसा कर दूँगा, और बहुत हार्ड बनता है, बहुत तेज़ बनता है, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल इसका उल्टा है, विपरीत है। बहुत मुश्किलों से गुजरा हुआ है ये और बचपन से ही बहुत मुश्किलें देखी हैं इसने। मैम, जो गरीब लोग होते हैं उनको मतलब लोग कुछ समझते नहीं है। अरे नहीं, दुनिया में सभी गरीब हैं। मैंने मैम नहीं बताया आपको। मेरी वजह से मेरी बहन दो नहीं रही मेरी वजह से दुनिया में। मैं जब पिछले सीजन में आया था तो मतलब मेरी एक बहन थी छोटी सी, एक साल की थी। तो मैम, जैसे मैं पिछले सीजन में आया था उनके मतलब बीमारी में बहुत पैसे लग चुके थे, तो मतलब उन्हीं बातों को याद कर कर मुझे रोना आ रहा है। मैम, मम्मी के पास इतना पैसे नहीं थे क्योंकि उनकी बीमारी में लग गए थे सभी पैसे। तो मतलब मुझे कुछ देर बाद पता चला कि मेरी बहन नहीं रही दुनिया में, और मैम एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में मतलब कोई पढ़ा नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि बड़ा होकर मैं पढ़ा लिख कर अपने गांव के रास्ते ठीक कराऊँ और मैं अपने घर की हालत ठीक करूँ। वाह, देखो कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि शोएब के दिल के अंदर एक इतना छोटा सा सैड दुखी दिल है, जो इसने ये अंदर इतना कुछ छुपा के और दबा के बैठा हुआ है। नहीं मैम, बताता नहीं था मैं। लेकिन बेटा एक सुन, एक बात सुनो, एक तो तुम्हारी अपने आप को जिम्मेवार मत समझो, सब अपना अपना नसीब लेके आते हैं। वो सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, पहले तो ये बात निकालो अपने अपने दिल से और अपने दिमाग से। जिसको ऊपर वाला रखता है वो रहता है, अगर किसी को जाना होता है तो वो जाता है, चाहे तुम यहाँ आते चाहे ना आते। तुम इस सब चीज़ के जिम्मेवार नहीं हो, तुम छोटी सी नन्ही सी जान हो। तुम्हारी जो 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 भुगतता है वो अपनी तकदीर से भुगतता है। लेकिन हाँ, तुम ये कर सकते हो कि तुम अपने घर के हालात सुधार सकते हो। यस मैम, मैं ये तुम सारी दुनिया के सामने आए हो, देखो तुम्हारा, तुम सबको सब जानते हैं तुम्हें। तुम गाओगे, तुम आगे बढ़ोगे जिंदगी में, तुम पैसे भी कमाओगे, तुम नाम भी कमाओगे, तुम ब्लेसिंग्स भी कमाओगे सबकी। और जहाँ तक पढ़ने का सवाल है, ये फैमिली है ना, ये जो जॉइंट फैमिली है हमारी, ये अब तुम्हारी जॉइंट फैमिली है पूरी। यस मैम, ये लो ये फैमिली, ये इस बात का कि गारंटी तुम्हें देंगे कि तुम जितना पढ़ना चाहोगे हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे सबके सब। एक्चुअली मैं भी ये बोलना चाहूँगी, मैं क्या, हम सभी कैप्टन्स, आपको जितना पढ़ना है जहाँ भी पढ़ना है हम लोग पूरा कंट्रीब्यूशन करेंगे। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है हम पाँचों मिलके आपको पूरा कोशिश कर लेंगे कि आपको कंट्रीब्यूशन कर पाए। देखो कैप्टन ने कितनी बड़ी बात बोली है, तुम इतना याद रखो कि तुम्हारा यहाँ आना सार्थक होगा। अब इसी बात पे शोएब एक प्यारा सा गाना सुना दो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.